हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकनेस। तो पाकिस्तान सुपर लीग के अगले मैच की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रिडिक्शन लेकर के आ गई हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि क्रिकेट से जुड़ी सारी फ्रेशर आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो PSL की मैच नंबर 7 मुल्तान सुल्तान और गीटा ग्लैडिएटर्स के बीच 31 जनवरी को शाम 7:30 बजे से शुरू होगी। वेन्यू की बात करें तो ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में खेली जाएगी। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो टोटल मैच इस पिच पे 7 खेले जा चुके हैं। हाईएस्ट टोटल रन चेज 208 रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 191 रन रही है, वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 135 रन रही है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो टेम्परेचर 23 डिग्री तक रह सकती है। अब टीम फॉर्म पर नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस में जीती है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। नेट रन रेट इस टीम की 0.556 की है। गीटा ग्लैडिएटर्स के टीम फॉर्म की बात करें तो 2 मैचेस खेली है, एक में हारी है एक में जीती है। कराची किंग्स के अगेंस्ट जीत हासिल की है, वहीं पेशावर जालमी के अगेंस्ट हार गई थी। नेट रन रेट इस टीम की 0.8820 की है। हेड टू हेड की बात करें तो रेशियो 5:5 की रहेगी। अब की प्लेयर्स में नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान्स में शान मसूद ने पिछले मैच में 50 बॉल्स में 83 रन चेस किए थे, स्ट्राइक रेट 166 की थी। मोहम्मद रिजवान ने 42 बॉल्स में 69 रन चेस किए थे, स्ट्राइक रेट 164.29 की थी। इनके अलावा खुशदिल शाह ने 4 बॉल में 18 रन नॉट आउट मारे थे, स्ट्राइक रेट इनकी 450 की थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो डेविड वाली ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 7.67 की थी। शाहनवाज ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 11 की थी। इनके अलावा इमरान ताहिर ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी इनकी 8 की रही थी। और एहसानुल्लाह ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 8.57 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो शाह मसूद, शोएब मकसूद, टीम डेविड, डेविड वाइली, मोहम्मद इमरान खान, एहसानुल्लाह जनत, इमरान ताहिर, शाहनवाज दहानी, खुशदिल शाह, राइली रिसो, मोहम्मद रिजवान खेल सकते हैं। अब गीटा ग्लैडिएटर्स के की प्लेयर्स पर नजर डालें तो एहसान अली ने पिछली मैच में 46 बॉल्स में 43 रन चेस किए थे, स्ट्राइक रेट इनकी 158.70 की थी। विल्स मरे ने 62 बॉल्स में 97 रन चेस किए थे, स्ट्राइक रेट 156.45 की थी। टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की बात करें तो मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट लिया था, इकॉनमी इनकी 11 की रही थी। फॉकनर ने 1 विकेट लिया था, इकॉनमी 10 की थी। नशीम शाह ने 1 विकेट लिया था, इकॉनमी इनकी 5.18 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो विल स्मिथ, बेन डकेट, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, जेम्स फॉकनर, आशिर कुरैशी, नशीम शाह, मोहम्मद हसनैन, सुहेल तनवीर, सरफराज अहमद और एहसान अली खेल सकते हैं। अब सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो मुल्तान सुल्तान अब तक सारे मैचेस में जीतती आई है, तो मुल्तान सुल्तान के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। टॉस प्रिडिक्शन की बात करें तो गीटा ग्लैडिएटर्स के टॉस जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थी PSL की मैच नंबर 7 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रिडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।